आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से हिंसा से दूर रहने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाने की अपील की। कहा, धर्म और जाति के आधार पर नहीं कोई भेदभाव। जबलपुर में कर्फ्यू से मिली 7 घंटे की सशर्त छूट, रात में रहेगा जारी, स्थितियां सामान्य। अलग अलग सड़क हादसों में 6 लोगों की मौत, 30 से ज्यादा घायल। और आकाशवाणी भोपाल के प्रादेशिक समाचार एकांश की विशेष श्रृंखला अच्छी खबर के 24वें अंक में आज आप सुनेंगे नरसिंहपुर जिले में एक शिक्षक द्वारा बुक बैंक बनाने की पहल पर विशेष रिपोर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से हिंसा से दूर रहने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाने की अपील करते हुए कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर NRC से किसी एक विशेष धर्म के लोगों से कुछ लेना देना नहीं है। उन्होंने साफ किया कि सरकार ने NRC पर अभी तक कोई फैसला नहीं किया और यह असम से संबंधित है। नई दिल्ली के रामलीला मैदान में भारतीय जनता पार्टी की धन्यवाद जनसभा को संबोधित करते हुए आज प्रधानमंत्री ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून का उद्देश्य पड़ोसी देशों में धार्मिक रूप से प्रताड़ित होने के बाद भारत आए लोगों को नागरिकता देना है। उन्होंने विपक्ष पर देश के अल्पसंख्यकों को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि धर्म और जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत के तहत 70 लाख से अधिक लोगों को लाभ हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष JP नड्डा ने आज इंदौर में आयोजित एक सभा में कहा कि हम नागरिकता संशोधन कानून पर लोगों को सच्चाई बताएंगे। उन्होंने कहा कि देश में पिछले 50 सालों से नागरिकता कानून की चर्चा होती रही, लेकिन कानून नहीं बन सका, जिसे भाजपा सरकार ने साकार किया। नड्डा ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि पाकिस्तान में जिन अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय हुआ है, उन्हें भारत में नागरिकता मिलेगी। इसे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दोहराया था। उन्होंने कहा कि हमने भारत में अल्पसंख्यकों की रक्षा की है, देश को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाया है। कार्यकारी अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि CAA के विरोध में सड़कों पर आने वाले लोग एक विशेष तरह की वेशभूषा में आए और इन सब का कांग्रेस ने भरपूर समर्थन दिया। सभा में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राकेश सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव शामिल हुए। भोपाल में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का आज अंतिम दिन है। मेले में अब तक लगभग 36 लाख रुपए से अधिक के वन एवं हर्बल उत्पादों से निर्मित औषधियों की बिक्री हो चुकी है। आज आयोजित समापन समारोह में मेले में स्टॉलों की साज सज्जा एवं प्रस्तुतिकरण के लिए स्टॉल धारकों को पुरस्कृत किया जा रहा है। प्रादेशिक समाचारों में हमारी श्रृंखला जानना जरूरी है के जरिए हम आपको उन समसामायिक विषयों की वास्तविकता से रूबरू करा रहे हैं, जिनके बारे में पूरी जानकारी के अभाव में आम लोग सुनी सुनाई बातों के आधार पर अपनी धारणा बना लेते हैं। तो आइए आज जानते हैं नागरिकता संशोधन कानून को लेकर फैली एक और भ्रांति और उसकी असलियत के बारे में। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर एक भ्रम यह भी है कि यह देश के मूल नागरिकों और खासकर मुस्लिम समुदाय के हितों पर फर्क डालेगा, जबकि वास्तविकता यह है कि इस कानून से देश के मूल नागरिकों के हितों पर कोई आंच नहीं आएगी, बल्कि इसका मकसद पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 तक धार्मिक उत्पीड़न के चलते आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी समुदाय के शरणार्थियों को नागरिकता देना है। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, Twitter और Facebook पर AIR News भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR News App पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। जबलपुर में स्थितियां सामान्य होने से कर्फ्यू में आज 7 घंटे की सशर्त छूट प्रदान की गई है। ये छूट शहर के चारों थाना क्षेत्र में दोपहर 1 बजे से शाम 8 बजे तक दी गई है। इसके साथ ही मोबाइल और इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हुए प्रदर्शन के चलते हनुमानताल और गोहलपुर के संपूर्ण इलाकों में तथा कोतवाली और आधारताल थाना अंतर्गत आंशिक क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया गया था। हमारी संवाददाता ने जिला कलेक्टर के हवाले से बताया कि आज कहीं से भी किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। सुरक्षा की दृष्टि से 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कर्फ्यू की ढील में शामिल नहीं किया गया है। इस दौरान धारा 144 प्रचलन में रहेगी। मुरैना जिले के जौरा से कांग्रेस विधायक बनवारीलाल शर्मा का अंतिम संस्कार आज उनके पैतृक गांव जाप थाप में राजकीय सम्मान के साथ किया गया। उनके ज्येष्ठ पुत्र ने मुखाग्नि दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री कमलनाथ और पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित मंत्री डॉ. गोविंद सिंह, प्रद्युम्न सिंह तोमर, लाखन सिंह यादव सहित कई विधायक, पूर्व मंत्री और बड़ी संख्या में क्षेत्रीय लोग शामिल हुए। विधायक शर्मा का कल निधन हो गया था। कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू एक समारोह में ये पुरस्कार देंगे। गुजराती फिल्म हिलेरो को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। आयुष्मान खुराना की फिल्म अंधाधुन और विकी कौशल को उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार से नवाजा जाएगा। जबलपुर के समीप बरगी बायपास पर बसंत नगर के पास कल देर रात यात्रियों से भरी बस और ट्रक की टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई और 32 अन्य घायल हो गए। मृतकों में शामिल 3 लोग एक ही परिवार के सदस्य थे। हादसे में घायल 18 लोगों को जबलपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि 14 लोगों का उपचार निजी अस्पतालों में किया जा रहा है। पुलिस के अनुसार कटनी से बालाघाट जा रही एक निजी बस को नागपुर से जबलपुर जा रहे एक ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे बस अनियंत्रित होकर पलट गई। वहीं एक अन्य सड़क दुर्घटना में एक ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई। यह घटना सिवनी जिले के केवलारी थाना अंतर्गत हुई। आकाशवाणी भोपाल के प्रादेशिक समाचार एकांश की विशेष श्रृंखला अच्छी खबर के 24वें अंक में आज सुनिए नरसिंहपुर जिले में एक शिक्षक द्वारा बुक बैंक बनाने की पहल पर विशेष रिपोर्ट। अच्छी खबर में आप हर रविवार रूबरू होते हैं प्रदेश के किसी भी इलाके की उस खबर से जो सकारात्मक है और समाज को दिशा देने में मददगार हो सकती है। कहते हैं कि बिना किताबों के पुस्तकालय बिना आत्मा के शरीर की तरह है। खासकर स्कूलों में तो विद्यार्थियों के पास किताबों का ऐसा खजाना होना चाहिए कि उनका व्यक्तित्व और निखर सके। कुछ इसी सोच के साथ नरसिंहपुर में एक शिक्षक ने अपने स्कूल में बुक बैंक बनाकर अनूठी पहल की है। अब इस पहल से प्रेरणा लेकर कलेक्टर ने जिले के सभी स्कूलों में बुक बैंक बनाने की कवायद शुरू कर दी है। दरअसल नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव विकासखंड के एक छोटे से गांव बौछार के शासकीय माध्यमिक कन्याशाला के शिक्षक आनंद नेमा ने पुरानी पुस्तकों से स्कूल में इतना बड़ा बुक बैंक बना दिया है कि अब छात्राओं को किताबों का बोझ ढोकर स्कूल नहीं लाना पड़ता। आकाशवाणी से बात करते हुए श्री नेमा ने बताया कि इस पहल की प्रेरणा उन्हें कैसे मिली। हर साल बच्चों को किताबें मिलती और वो किताबें बच्चे घरों में रखे रहते थे। शासन का एक आदेश हुआ था कि इसमें पुरानी पुस्तकों को इकट्ठा करना था, तो हमने सारी वो इकट्ठी जो किताबें हैं उनको एक व्यवस्थित रूप देते हुए अपने विद्यालय में ये एक प्रयोग किया। इस प्रयोग में हम लोगों ने जो पुरानी किताबें थी उन सारी किताबों को कक्षावार विषयवार छांट के रखा। इस स्कूल में करीब 50 से ज्यादा छात्राएं अध्ययनरत हैं, जिनमें से कुछ छात्राएं 5 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर से आती हैं। स्कूल में बुक बैंक होने से नन्हे कंधों से बस्तों का बोझ कम करने में भी मदद मिली है। हम जो कंधे पे बोझ रख के लाते थे पुस्तकें जो हमें स्कूल से मिलती थी, अब वो हम बोझ नहीं लाते हैं। अब हम कॉफी बस लाते हैं, वो पुस्तकें हम घर पर रखते हैं, वहाँ पे हम उनको घर पे रख के पढ़ते हैं। इस पहल से शिक्षक और छात्राएं तो बेहद उत्साहित हैं ही, साथ ही जिले के कलेक्टर दीपक सक्सेना ने भी इससे प्रेरणा लेते हुए जिले के सभी स्कूलों में इस सोच को अमल में लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने खुद होके इस तरह का काम किया और उनसे मैंने प्रेरणा ली है। मैंने जिला शिक्षा अधिकारी को कहा है कि उन्होंने जो नवाचार किया है उस नवाचार को हमको बहुत सारे स्कूलों में लागू करना चाहिए।
एक सकारात्मक सोच और समर्पण समाज में कितना बदलाव ला सकती है, ये श्री नेमा ने अपनी इस सराहनीय पहल से साबित कर दिया। उम्मीद है जल्द ही और लोग भी इससे प्रेरणा लेते हुए कुछ नया और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। नरसिंहपुर से आशीष जैन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं संयुक्ता बैनर्जी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से हिंसा से दूर रहने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाने की अपील की। कहा, धर्म और जाति के आधार पर नहीं कोई भेदभाव। जबलपुर में कर्फ्यू से मिली 7 घंटे की सशर्त छूट, रात में रहेगा जारी, स्थितियां सामान्य। अलग अलग सड़क हादसों में 6 लोगों की मौत, 30 से ज्यादा घायल। और आकाशवाणी भोपाल के प्रादेशिक समाचार एकांश की विशेष श्रृंखला अच्छी खबर के 24वें अंक में आज आपने सुनी नरसिंहपुर जिले में एक शिक्षक द्वारा बुक बैंक बनाने की पहल पर विशेष रिपोर्ट। इस बुलेटिन में इतना ही। आकाशवाणी भोपाल से अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन सुनिए कल सुबह 7:05 पर। नमस्कार।